धार जिले के पीथमपुर प्रदेश भाजपा सरकार के कैबिनेट मंत्री बदनावर विधानसभा विधायक प्रत्याशी राजवर्धन सिंह दत्ती गांव का आज प्रथम नगर आगमन पर पीथमपुर औद्योगिक क्षेत्र में जगह जगह भव्य स्वागत किया गया। जगह जगह स्वागत मंच लगाकर जहां भाजपा कार्यकर्ताओं ने जोशीला स्वागत किया, तो वहीं दत्ती गांव के पुराने सहयोगी व कार्यकर्ताओं ने भी मंच लगाकर स्वागत किया। कैबिनेट मंत्री प्रीति नागर ने मां वैष्णो देवी मंदिर में दर्शन कर आने वाले उपचुनाव में जीत के लिए प्रार्थना भी की। वहीं सागर कुटी पर मंच लगाकर जिला उपाध्यक्ष प्रकाश धाकड़, नगरपालिका उपाध्यक्ष हंसराज पटेल, काली बिल्लो सरपंच गणेश परमार, पार्षद भारत जाटवा ने मंच पर भव्य स्वागत किया। मीडिया से चर्चा के दौरान मंत्री जी ने बताया कि वैश्विक महामारी के चलते देश आर्थिक महामारी से गुजर रहा है। प्रधानमंत्री जी ने आत्मनिर्भर बनाने के लिए देश को प्रेरित किया है, हमें अनुसरण करना है। वहीं पीथमपुर के विकास में स्थानीय निकाय के साथ मिलकर जल्द ही रूपरेखा तैयार की जाएगी। पीथमपुर के विकास में कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। पीथमपुर से संजय सोनगरा की रिपोर्ट। इस विषय में कार्यक्रम रखा गया है। आज हमारे धार जिले में सौभाग्य है कि हमारे राजवर्धन दत्ती गांव जो बदलावर पूर्व विधायक के कैबिनेट मंत्री बनने के बाद प्रथम पीथमपुर आगमन पर उनका स्वागत रखा गया है। आपका नाम और पद? प्रकाश धाकड़, जिला उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी। आपकी क्या रणनीति रहेगी? जो भी आवश्यकताएं होंगी, अभी मैंने माननीय अध्यक्ष महोदय से भी निवेदन किया था, रास्ते में हम लोग देख रहे थे, जो भी आवश्यकताएं हैं, जो कमियां हैं, हम प्रयास करेंगे कि एक संयुक्त सही की राय लेके इसमें ज़्यादा से ज़्यादा कार्य हो सको करेंगे। अब सब जानते हैं कि अभी कोरोना का समय 2-3 महीने बड़ा विकट समय रहा है और न सिर्फ पीथमपुर बल्कि पूरे देश और विश्व की अर्थव्यवस्था पर इसका असर पड़ा है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की मंशा रही है कि हम पुनः अपने पैरों पर खड़े हों, इसलिए उन्होंने आत्मनिर्भरता का नारा भी दिया है और उन्होंने वोकल फॉर लोकल, लोकल फॉर ग्लोबल की बात भी कही है। उस तहत पीथमपुर का विशेष महत्व न सिर्फ पीथमपुर के लिए, धार के लिए, बल्कि पूरे प्रदेश और देश के लिए हो जाता है। हमारा प्रयास रहेगा कि हम यहाँ पर और मजबूती प्रदान करें। और वैसे भी धीरे धीरे पूरी वैश्विक व्यवस्था में चाइना का बायकॉट सा हो रहा है। चाइना बॉर्डर पर भी हमारे देश की और जो की खराब नियत है, इन सभी परिस्थितियों को देखते हुए ये समय अनुकूल है कि हम सब मिल के और पीथमपुर को ऊंचाइयों पे ले जाएं, जहाँ पे जाना चाहिए। यहाँ कठिन समय है, आर्थिक संकट है, तमाम तरह की हमारे सामने चुनौतियाँ हैं, लेकिन चुनौतियाँ जब होती हैं तो आदमी और मेहनत करता है और हिम्मत करता है। तो मेरा यही विश्वास है और मेरा आग्रह भी है सब लोगों से, इस समय हम सब मिलकर दलगत भावना से ऊपर उठकर राष्ट्र को मजबूत करने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।